अज पूरे पंजाब दे विच जिन्ने भारतीय जनता पार्टी के जिले ने उन्हां सारे जिलों के एक एक प्रैस वार्ता हो रही है और जिवें साडे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वैब मीडिया, मतलब एक नया कंसैप्ट जिहड़ा जुड़ के आया है, इन्हां सारिआं दी सहयोग दे नाल जिहड़ी 27 तरीक नूं साडी जन संवाद रैली पंजाब दी रहण वाली है और उहदा संदेश लोगों तक पहुँचाउण दे लई तुहाडा सहयोग लैण दे लई इस प्रैस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कि 27 तरीक नूं जिहड़े साडे देश दे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री ने, वो विशेष रूप दे विच पंजाब दे लोगों नाल अपने विचार सांझे करनगे। इस करके अज दी जिहड़ी है प्रैस वार्ता बुलाई गई। सवेरे 11 बजे जिहड़ी है रैली स्टार्ट होएगी और रैली जिहड़ी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के नाल होएगी। ये कुछ लिंक सानू आणगे, लिंक असी अलग अलग स्थानों पर भेजेंगे, कुछ पोर्टल न्यूज़ वाले भी भेजेंगे, वैब वाले भी भेजेंगे और दूसरा जिहड़ा कि वो जिहड़े लिंक आणगे जिथे आपां स्मार्ट टीवी लगा के चलाना है उत्थे भी चलणगे। उस तो बाद लिंक लिमिटेड रहणगे मगर बीजेपी पंजाब पेज के उत्ते लाइव चलेगी, वो लाइव असी मैक्सिमम जगह के उत्ते करावांगे, उसका लाइक शेयर करावांगे। जो तो अं शेयर कराने तो मल्टीप्लीकेशन से बढ़ता है और व्यूवर वो बढ़ते हैं ये, और दूसरा यूट्यूब चैनल के उत्ते भी यह लाइव रहने वाली है। सो 572 जलंधर के बूथ ने और लगभग 200 स्थानों के उत्ते असी इहदा डाटा बना के स्टेट जिहड़ा अपना बीजेपी ऑफिस है आपां उहनां नूं भेज चुके हैं मगर साडी कोशिश है कि इस तो उपर भी आपां इह जिहड़ा है लोगों नूं दिखाउण दी व्यवस्था करिए। देखो लॉकडाउन दे विच मैं हुण भी चर्चा हुंदी पई सी जिहड़ा पेट्रोल डीजल का विषय है, ये इंटरनेशनल मार्केट के नाल जुड़िया विषय है। दूसरी गल है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो असी खोल के देखते हैं तो सब तो ज़्यादा बैट अगर किसी स्टेट ने लाया तो पंजाब ने लाया है। देखो एक कल्याणकारी सरकार होंगी है, एक दमनकारी सरकार होंगी है। इस लॉकडाउन के विच कैड़ी सरकार ने लोगों के हितों के लिए काम किया, जनधन खाते च किन्ना 500 रुपया पाया, लेबर जॉब करने वाले लोगों के बीच 1000 रुपये किन्ना पाया, किसानों नूं किन्ने पैसे दिते और राशन किन्ना पहुँचाया। मैं लगता है कि असीं पंजाब दे विच बैठे हैं, प्रतख नूं प्रमाण की लोड़ नहीं हुंदी है और लोगों ने देखा कि पंजाब सरकार ने जिथे राशन पहुँचाना सीगा उत्थे राशन तो नहीं शराब पहुँचाई है। सो इन सारे विषयों नूं देखते हुए जिहड़ा कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े ने, मैनूं लगता है कि इन्हों घटाना चाहिए है, मैं मनता इस चीज़ में मगर पंजाब सरकार को सब तो पहले घटाना चाहिए। पंजाब सरकार ने जो 5600 करोड़ का घाटा जोड़ा दिखाया है कि सानू 5600 करोड़ रुपया घटिया है कोविड की महामारी से, एक घाटा नहीं, एक घोटाला है, यदि जांच होनी चाहिए है और ये सारे विषय जोड़े है लोगों तक जाने चाहिए है। ऐसी करके जी 27 तरीक की जन संवाद रैली है वो पंजाब के लोगों को समर्पित है। उदों जदों कोविड की महामारी के ना तो ट्रांसपोर्ट चल रही थी, ना असी घर तो बाहर निकलते पे सी, जो तुम इकनोमिक्स पढ़ते हो डिमांड और सप्लाई की जो गल करते हैं, डिमांड और सप्लाई के जो असं गल करते हैं तो वह देखते हैं कि जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो रेट बढ़ते हैं, जो डिमांड घट जाती है तो रेट घट जाते हैं। उस वेले तुम ये चाहते हो कि रेट घटने चाहिए सके मगर उस वेले ना तो साड़ी डिमांड सी। दूसरी गल कि सरकार के उत्ते एडा बोझ पिया, सरकार ने उन्हें भी मेनटेन करना है। जो असं घर का भी अपना बजट देखते हैं अपना घर के मुखी होने के नाते कई चीज़ों बैलेंस करके चलते हैं, उसी तरह यह देश भी चलता है और जिहड़ी साडी केंद्र दी सरकार है उन्हें मैनेज किया। पर मैं फिर दोबारा तुहानू बेनती करदा हां इस प्रैस वार्ता के माध्यम नाल करदा हां कि इहदे लई पंजाब सरकार ज़्यादा दोषी है क्योंकि उन्हें जिहड़ा बैट लगाया है वह पूरे देश दे विच सब तो ज़्यादा है और उन्हें घटाना चाहिए है। मैं पंजाब की गल कर सकता जी, आपां उत्ते एक अलग प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते इस विषय के उत्ते। अज जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है वह 27 तरीक की जन संवाद रैली लई, आपां उहदे ते कोई प्रश्न पूछना तो आपां पूछ सकते हैं।